इधर कहां आप फंसे हुए हैं, उधर इधर आइए, शटर उठाइए, मैं बोलने को तैयार खड़ी हूं। आप मुझसे तो पूछ ही नहीं रहे हैं और उनसे पूछने जा रहे हैं कि आप क्या करती हैं, कहां से आई हैं, किधर जाएंगी, इससे क्या मतलब। अरे मेरे पास आइए, आह मैं मुझे मालूम किया, जब ये होता है ना, एक मिनट दीजिए जरा, तब लगता है कि उत्साह एनर्जी, लोग पूछते हैं कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है, संकट जब पूरा होता है हमारा और आपका तब एनर्जी फ्लो करती है। जी बोलिए। I am also a field reporter from many of the South Delhi channels. हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने कहा कि नाम रिपोर्टर हैं और इस मुल्क में, सुनिए मेरी बात, इस मुल्क में बाइलिंगुअल होना फायदेमंद है, और जहां जैसा देश हो वहां वैसा वेश, पहला सबक ये पत्रकारिता का, ठीक है ना, तो उसमें आप किस पे काबिलियत दिखाएंगे, हम इन्हीं पे दिखा देंगे सारी काबिलियत, या इनसे जिन्होंने अपनी जिंदगी में वीआरएस लेके यहाँ खड़े हैं एक तजुर्बे के साथ, इनको मैं अपनी काबिलियत दिखाऊंगा। अरे मुमताज भाई बैठे हैं तो मैं इनको शेर सुनाऊंगा, ये रोज शेर ढालते हैं, रोज शेर बनाते हैं, तो मैं इनको क्या काबिलियत दिखाऊंगा अपनी। कहना वो चाहिए जो सबके दिल को अच्छी लगे, मतलब दिल के अच्छे लगे, मतलब बात सरल हो, सरलतम, सुनिए पहले, सरल हो, सरल हो, और दूसरी बात क्या बोली, नहीं ध्यान दिया, तो टेलीविजन का तो पहला नियम तो यही है, क्या नियम है, सुनना नहीं, हाँ सरल और सरलतम, जी गंगा की तरह पानी में बहता हुआ होना चाहिए, तब तो बात सुनेगा कोई। अब बोलिए। ठीक है, तो हम शुद्ध हिंदी पे आते हैं। मैं पत्रकार हूँ साउथ दिल्ली से, काफी सारे चैनल्स को मैंने अपना कंटेंट भी दिया है, प्लस लोगों से जैसे आप सर इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, वैसे ही मैं भी कनेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने उनसे माइक भी लेना चाहा पर वो अपना इतना सुंदर गाना पेश कर रहे थे, मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने उनसे बोला क्या मैं दो लाइन गा सकती हूँ, लता मंगेशकर जी की फैन भी हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितना अच्छी आवाज है इनकी, और ये गाना चाहती है। आइए अंदर आइए, तशरीफ लाइए, आज शो तो बस थोड़ी देर में करेंगे। बीजेपी आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी आ गए, जय हो, वाह वाह, कार्यकारिणी से आ रहे हैं, आइए, क्या नाम है आपका, लाइव बैग में पकड़ लेता हूँ उस्ताद लोग, क्या बात है, क्या उम्र है आपकी? मैं 26 वर्षीय एक बैचलर कन्या हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बोल रही हूँ थोड़ा, चले गाना शुरू करिए। जी जी जी, लता मंगेशकर जी की फैन हूँ, तो उन्हीं के दो शब्द गाना चाहूंगी, एंड रियली लाइक योर वॉइस, पर्सनली लाइक योर वॉइस। जी, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको फिर आपके नसीब में ये शाम हो। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आइए मैं आपको दावत देता हूँ, जब भी मौका लगे, काम धंधा मत छोड़िएगा, जब भी मौका लगे यहाँ जरूर आइए, आप गा सकती हैं, आप गा सकती हैं, बहुत अच्छा गाती हूँ। कभी कभी आदमी पेशे गलत पेशे में फंसा होता है, आपका काम गाना हो सकता है, तो उधर ना जाके इधर आइए, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तो गलत पेशे में फंस गया कई साल पहले। जी हाँ जी, बहुत देर से इंतजार, आपको लेके चली है क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी मैम नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गुड़गांव से। गुड़गांव से, आज गुड़गांव के बहुत सारे लोग आ गए भाई, क्या बात है, क्या नाम है आपका? भावना झा। भावना झा, और आपका? आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी, दोनों से बात करेंगे। दरअसल होता क्या है कि कब कितना कहाँ कैसे बोलना है, इसका एक मंत्र है, और मैंने तभी वो वाक्य यूज किया था, लेकिन आप अच्छा गाती हैं, नो डाउट अच्छा गाती हैं और अच्छा गा सकती हैं, पूरी गुंजाइश है। आफिया पहले बताएंगी और फिर उसके बाद आना। आफिया क्या कर रही हैं? मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ। मास्टर स्टूडेंट से क्या कर रही हैं? मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग, मतलब मैं आपसे पूछूंगा एक दो सवाल, जरूर पूछूंगा ऑफकोर्स, आप मास्टर्स कर रही हैं अर्बन प्लानिंग में, और जरूर बोलना चाहिए दिल्ली और दिल्ली की जो व्यवस्था है और उसमें प्लानिंग का क्या महत्व हो सकता है। बहुत सारी आपदाओं पे मुझे काफी डर भी लगता है, हमको क्या, सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा हादसा हुआ कभी तो हम कितना तैयार हैं, हम कितना प्लान है। गार्ड साहब थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम करेंगे जी, और आप?
मैं भी मास्टर्स इन अर्बन प्लानिंग. अर्बन प्लानिंग, अरे तो आज प्लानिंग आर्किटेक्ट प्लान उसके लोग हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. अच्छा वो आप भी हैं, उतनी दूर क्यों खड़ी हैं? क्या नाम है आपका? आशफा एहसन.